नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको जेसीबी में पोकलैंड में बड़े बड़े जो डीजल व्हीकल्स है या कोई भी ट्रैक्टर्स हो ट्रक्स हो, तो इनमें डीजल एक कॉमन एक फैक्टर्स है और इसका पूरा सिस्टम्स क्या है, ये अगर आपको बेसिक मालूम है तो कोई भी इसके संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी एयर पकड़ रहा है, मशीन चालू नहीं हो रहा है, या आपका व्हीकल गाड़ी हो कोई भी हो, तो जो अगर चालू नहीं होता है तो इस तरीके का अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको वो कंटिन्यूअसली ध्यान में आता है। तो अभी आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको इस बोर्ड के ऊपर ये टोटल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो सिस्टम कैसे होता है, और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी करूँगा कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्या करना है, और इंजन का एक टोटल सीरीज भी हम लोगों ने लाया है, तो आप लोग वो सीरीज भी वो टोटल देख सकते हैं कि आप इंजन रिबिल्ड यानी कि इंजन खुद भी खुद बना सकते हैं और कौन से इसका क्या मकसद होता है, तो ये सब उस सिस्टम में हमने आपको बताते हैं। तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाएं। तो अभी आप लोग ये जो ब्लैक बोर्ड्स के ऊपर ये एरो से हम लोग आपको शो करेंगे, ये सबसे पहले ये डीजल का एक टंकी है, डीजल के बारे में ही आज हम लोग बोलेंगे आपको। तो ये डीजल का ये टंकी है, इसमें फ्यूल यानी डीजल है, और नीचे के साइड में ये ड्रेन प्लग आप देखते हैं। ड्रेन प्लग का काम होता है कि नीचे से अगर टंकी आपको साफ करना है तो ये ड्रेन प्लग से आप साफ कर सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं, तो ये ड्रेन प्लग उसी के लिए होता है। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं एरो के जरिए ये फीड पंप को ये डीजल का पहला ये जाता है, जो पहला जो सबसे पहले जो पाइप होता है, कभी कभी वो फीड पंप को न जाते हुए डायरेक्टली एक वाटर सेपरेटर को जाता है। अभी जो लेटेस्ट के जो भी मशीनरी आ रही है उनमें वाटर सेपरेटर आता है, तो वाटर सेपरेटर का काम ये होता है कि सिस्टम में कहीं पर भी पानी का अंश न जाने देने का काम वाटर सेपरेटर करता है। तो इस फिगर में यहाँ पे एक वाटर सेपरेटर होना चाहिए था। तो अभी उसके बाद में फीड पंप का काम ये होता है, जैसे हम फीड पंप ऊपर नीचे करते हैं तो वो फ्यूल जो है वो आगे के साइड में जाता है, आप एरो के इससे देख सकते हैं। उसके बाद में फ्यूल फिल्टर आप लोग देख सकते हैं, फ्यूल फिल्टर का काम फ्यूल में जो भी कुछ भी कचरा है वो साफ करके आगे देना है। तो पहले प्राइमरी फ्यूल फिल्टर आता है, उसके बाद में सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर आता है। प्राइमरी फ्यूल फिल्टर ये जो होता है जनरली क्लॉथ का होता है यानी कि जो कपड़े का होता है, और सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर ये जो होता है ये पेपर का होता है, यानी कि बहुत ही माइक्रो इससे वो फिल्टर्स होते हैं। इसके प्रैक्टिकल्स भी हम लोग आपको कंटिन्यूअसली बताते रहेंगे। तो फिल्टर्स में से एक पूरा सिस्टम जाता है, अभी पूरा फ्यूल जाता है फ्यूल पंप में यानी कि डीजल के पंप में। डीजल पंप का काम, फ्यूल पंप का काम हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी इंजन को डीजल लगे तो उस टाइमिंग में डीजल देना है और प्रेशराइज करके देना है, आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद में वो टाइमिंग के साथ में फ्यूल पंप जो होता है वो नोजल के जरिए, उसके एडाप्टर के जरिए नोजल के पास में डीजल देता है। जो ओवरफ्लो का डीजल है यानी कि जो एक्स्ट्रा का डीजल है, तो वो ओवरफ्लो वाल से रिटर्न टू ये पंप में आता है। तो यहाँ पे एक ओवरफ्लो वाल होता है, और कभी भी आपका व्हीकल अगर कहीं किसी वजह से अगर ओवरफ्लोइंग हो रहा है, अगर कुछ लोड पे आ रहा है, तो आपको ये वाल, इसको रिटर्न का बेंजो भी कई लोग बोलते हैं। बेंजो आप लोगों को मालूम होगा कि डीजल पास करने के लिए एक नट होता है, वो जनरली 19 का होता है बड़े व्हीकल्स में, 17 के भी उसके ऊपर स्पैनर बैठे हैं, 19 17, ये जो मैं जो भी कुछ बोलता हूँ कोई वो स्पैनर की साइज होती है। बेंजो बोल्ट के जहाँ पे पाइप बैठा है बेंजो पाइप, तो उसके आगे और पीछे बेंजो वाइशर्स होते हैं, वो काफी बार तो एल्यूमिनियम्स के होते हैं, वो कहीं पर कटे नहीं है ये देखना है, और हर दम आप लोग जहां पर भी जब भी अगर पाइप खोलते हैं तो बेंजो आपके पास में होना जरूरी है। बहुत स्मॉल एक वाइशर्स होते हैं,
और वो कभी कभी कॉपर्स के भी होते हैं कई कंपनीज में, तो वो भी आपको देखना है, तो आप लोग ये जरूर देखिएगा। तो उसके बाद में आपको ये जो नोजल का जो फ्यूल लीकॉप कनेक्शन है, फ्यूल लीकॉप का एक पाइप आता है जो हर बेंजो को जोड़ा हुआ होता है, हर उसका बेंजो जो होता है वो उसको कभी कभी वो बहुत पतला होता है, वो हर नोजल को जुड़ा होता है और वो नोजल के जरिए वो रिटर्न वो पाइप से टैंक में वो फ्यूल डाल देता है। तो ये पूरा कंप्लीट सिस्टम आपको अभी ध्यान में आ ही गया होगा। तो इस सिस्टम में अगर कहीं पर भी ये बेंजो का पाइप अगर लीक है, अगर कुछ बेंजो बोल्ट लीक है, अगर कुछ वॉशर्स लीक है, तो आपको जरूर जरूर देखना है, उससे अपना मशीन लोड पे आना या कुछ प्रॉब्लम्स आना ये कंटिन्यूअस होता रहता है, तो आपको जरूर ये चीज़ें देखना चाहिए। तो आपको सिस्टम ये ध्यान में आ गई, ये फ्यूल सिस्टम का हमने आपको बताया था। अभी इसके बाद में हम वाटर सिस्टम भी बताएंगे, इंजन में ऑयल सिस्टम भी बताएंगे, इंजन कंप्लीट कैसा करना है, उसको रिपेयरिंग कैसा करना है, ये सब चीज़ें हम आप तक लाते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा यूट्यूब। थैंक यू।